नमस्कार साथियों, आपने एक कानून के बारे में सुना होगा कि लिमिटेशन एक्ट में एक कानून है कि जिसका मान लीजिए 12 साल से अधिक प्रतिकूल कब्जा होता है तो मालिकाना हक मिल जाता है उसे। लेकिन आज की जनरेशन ये है साथियों कि अगर मान लीजिए कोई अवैध कब्जा भी किए तो आप उसे ही मालिकाना हक समझ लीजिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप उसके कब्जा जो है उसे प्रशासनिक मदद से आप हटवा सको। हकीकत ये है, कई लोगों के मुझे फोन कॉल्स आते हैं, कई लोगों की समस्याएं आती हैं कि सर हमारी जमीन थी, हमारी जमीन नाम है, लेकिन हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया और हमें हटा दिया। जब पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती है सिविल मैटर है, इसमें हम क्या कर लें। लेखपाल कहते हैं इसमें हम क्या कर लें, इसमें धारा 24 कराइए, मान लीजिए धारा 116 करवाइए, इसमें बेदखली करिए। साथियों हकीकत आज ये हो गई है कि जो व्यक्ति सीधा है, लाचार है, या मान लीजिए उसके पास पैसा है, वो लड़ना नहीं चाहता है और अन्य व्यक्ति कोई भी उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता है, तो प्रशासनिक जो है उस सीधे व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा है जब तक वो सीधा व्यक्ति प्रशासन को रिश्वत नहीं खिलाएगा तब तक। हकीकत ये बन चुकी है। मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगा साथियों। जैसे अधिकतर जो कब्जा संबंधी विवाद होते हैं वो होते हैं साथियों सह खातेदारक से संबंधी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हकीकत क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई गाटा संख्या 699 है और उसमें 10 बीघा जमीन है, आप 6 पार्टनर हो, 6 पार्टनर में से एक विधायक है या सांसद है, ठीक है, और उसने जो है उसकी 5 बीघा जमीन है, उसने 5 बीघा जमीन पे नहीं 6 बीघा जमीन पे अगर मान लीजिए कब्जा कर लिया, उसने डिग्री कॉलेज बनवा लिया, तो आप चाहे SDM के पास जाना, चाहे तहसीलदार के पास जाना, चाहे DM के पास जाना, किसी की इतनी ताकत नहीं होगी कि उस सांसद विधायक को रोक दे कि भाई अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद निर्माण करना। या किसी भी अधिकारी की ये ताकत नहीं है कि उस जमीन की नापतौल करवा दे कि भाई आप अपना कॉलेज बनवा रहे हो, जो भी मान लीजिए निर्माण कर रहे हो, पहले नाप लेने दीजिए, आप अधिक निर्माण कर लोगे फिर ये जो अन्य व्यक्ति है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो आजकल यही अवैध कब्जा के कारण बन रहे हैं। जैसे समझने की कोशिश करना साथियों, मान लीजिए 699 गाटा है, 10 बीघा जमीन है, ठीक है, तो उसमें से एक विधायक या सांसद है, पावरफुल व्यक्ति है, उसकी 5 बीघा जमीन है, ठीक है। अब बचे 5 लोग एक तरफ, उनकी 1-1 बीघा हिस्से में आ रही है। अब विधायक सांसद ने क्या किया, कब्जा कर लिया 6 बीघा जमीन पे। अब वो 5 लोग मान लीजिए, या मान लीजिए 1 लोग है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, कहीं SDM से जा रहा, कहीं मान लीजिए तहसीलदार से जा रहा, कहीं DM से जा रहा, कोई नहीं सुनेगा। हकीकत ये है साथियों कि 99% कोई नहीं सुनेगा। मेरे पास मैटर आते, लोग परेशान हो जाते हैं बेचारे, कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। अंत में क्या कहा जाता है, देखिए अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो उसे रोक सकते हैं, मान लीजिए उसे स्टे दे दें कि भाई अभी निर्माण मत करिए, इसमें और भी सहकातेदार आ गए, बंटवारा होने दीजिए, या मान लीजिए लेखपाल को भेज के नापतौल करवा दें कि भाई आप 5 बीघा में ही बनाइए, अधिक में मत बनाइए। जब मान लीजिए सांसद या विधायक जो पावरफुल व्यक्ति था उसने 5 की जगह 6 बीघा जमीन कब्जा कर ली, अब उसमें बचे 5 खातेदारक, तो 1 बीघा जमीन कम हो गई। अब बेचारे वो आपस में लड़ रहे हैं, अब उनका केस चल रहा है, जब उस पर बिल्डिंग खड़ी हो गई तब उनका केस चल रहा है बंटवारे के, तो क्या न्याय मिलेगा भाई। हकीकत यह है कि एग्जीक्यूटिव जो मान लीजिए राजस्व विभाग है, वहां के कार्यपालक अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ या तो उन्हें रिश्वत दीजिए या किसी पावरफुल व्यक्ति जो भी है, सांसद विधायक MLA जो भी वहां का MLC है, उससे आप सिफारिश करवाइए तो आप जीत जाएंगे। हकीकत ये साथियों क्या हो रहा है, धारा 24 मान लीजिए पड़ोसी खेत वाले ने आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, अगर प्रशासन चाहे तो वो ऐसे ही हटवा सकता है लेखपाल को भेज के, लेकिन अगर वो व्यक्ति पावरफुल है तो प्रशासन क्या कहेगा कि भाई ऐसे हटाने की पावर नहीं है, धारा 24 में आइए आप सीमांकन के लिए केस करिए, ठीक है, आप मेड़बंदी का केस करेंगे, लेखपाल सुनेगा नहीं, लेखपाल को रिश्वत देंगे, लेखपाल मौके पर जाएगा और फिर बाद में कहेगा हमने नापतौल कर दी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम आपको कब्जा दिलाएं, मना कर देगा। दूसरी बात साथियों मैं आपको चीज बताऊं कि यदि वहीं आपके पास पैसा है और यदि कोई व्यक्ति कब्जा किए, या मान लीजिए कब्जा भले नहीं किया, आपकी जमीन मौके पर कम है, तो बिना धारा 24 के वो पैसा वाला व्यक्ति जाए, SDM को पैसे दे, 1,50,000 है, लेखपाल को पैसे दे, तुरंत वहां पे खड़े होके SDM लेखपाल कब्जा दिलवा देते हैं। हकीकत है ये, अगर हकीकत नहीं है तो जो भी मान लीजिए ऑडियंस हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करें कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि कई बार देखा जाता है कि जमीन जो है वो कई बड़े बड़े गाटों में होती है जिसमें कई सह खातेदारक होते हैं। आज ये देखा जाता है कि भाई जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, वो व्यक्ति कीमती जमीन ले रहे हैं, कीमती जमीन पे कुरा बनवा रहे हैं, लेकिन नियमावली 109 ये कहती है कि भाई अगर कोई जमीन है उसमें सह खातेदारक हैं, खातेदारक हैं कई, ठीक है, नंबर बड़ा है, तो रोड पे फ्रंट पे कीमती जमीन जो है वो सबको बराबर रूप से दी जाएगी, आनुपातिक रूप से। जैसे मान लीजिए कोई 10 बीघा का चक है, ठीक है, और 200 फुट मान लीजिए रोड पे है, ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं
तो दोनों को 100-100 फुट दिया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत साथियों ये है कि अगर एक पावरफुल व्यक्ति रहा, उसकी मजिस्ट्रेट या मान लीजिए नेता नगरी जो भी मान लीजिए भाई नेताओं से अच्छी लिंक है, तो उसका करार रोड पे बनेगा, आपका पीछे बनेगा। चले जाइए, कर दीजिए जाके आप अपील एसडीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नरी, केवल और केवल आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट दोगे। इस भ्रष्ट प्रशासन के लिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जन सुनवाई पोर्टल बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल है। लेखपाल की शिकायत करोगे, लेखपाल जांच करेगा। पुलिस की शिकायत करोगे, पुलिस ही जांच करेगी। तो क्या न्याय इससे मिल सकता है हम लोगों को? ये भाई एक जन सुनवाई पोर्टल हुआ, कहीं भी कोई शिकायत का कोई मकसद ही नहीं निकलता, कोई भाई उसका समाधान ही नहीं। जो पीड़ित है बेचारा वो ऐसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, एंड में वो थक के हार के बेचारा अपने घर पे बैठ जाता है। साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे ट्विटर पर अवश्य फॉलो करें, ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कॉल बुक करा के लीगल एडवाइस लीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। धन्यवाद साथियों।